दोस्तों, हमारी फनी स्टोरीज फॉर यू एडवेंचर में आपका स्वागत है। हमें पता है कि आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलना मत। इससे हमारी सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी और आप यूं ही देखते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन शाम के वक्त रीमा अपने दोस्त रमेश, निशा और दीनू के साथ कहीं पिकनिक पर जाने की योजना बना रही थी। रीमा कहती है कि मेरी मानो तो हमें गोवा घूमने जाना चाहिए। गोवा के बीच पर जाकर बड़ा मजा करेंगे। क्या बोलते हो दोस्तों? अरे हट, कहाँ रखा है वो गोवा में? मैं तो कहता हूँ हमें आगरा जाना चाहिए, इस दुनिया का एक नायाब नमूना और एक अमर प्यार की निशानी देखने। हाँ बोलो बोलो। लगता है इसके सर से गीता के प्यार का भूत अभी तक नहीं उतरा। अरे दीनू, भूल जाओ उसे, वो कब का ब्याह करके यहाँ से और तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तभी निशा कहती है, दोस्तों मेरे पास एक बढ़िया जगह है जहाँ जाना कमजोर दिल वालों का काम नहीं। अच्छा, और वो कौन सी जगह है, जरा हम भी तो सुने। हम जाएंगे माधवगढ़ के किले पर, वो भी रात के समय। अरे इसमें कौन सी नई बात है, वहाँ तो हर रोज सैकड़ों लोग जाते हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे किले घूम चुका हूँ। हाँ, वहाँ सैकड़ों लोग जाते हैं, पर सिर्फ दिन के वक्त, रात के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता। पर एक बात हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही। अरे भैया, रात में अगर वहाँ कोई नहीं जाता तो हम क्यों जाएं भला? अरे भाई, तनिक निशा की पूरी बात तो सुन लो, आखिर क्यों कमजोर दिल वाले वहाँ नहीं जा सकते? अब आए ना मुद्दे पर, तो सुनो, माधवगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में माधवगढ़ के महाराज प्रताप सिंह ने बनवाया था। उनके मरने के बाद उनके छोटे भाई वीर नायक सिंह ने वो किला हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लोगों का मानना है कि उस किले पर महाराज प्रताप सिंह के सेनापति के भूत का साया है और वो भूत किले में रखे खजाने की रक्षा कर रहा है। अरे भाई, खजाने की रक्षा करने की क्या जरूरत है, वैसे भी मरे हुए आदमी को खजाने की क्या जरूरत होती है। अरे तू चुप कर दीनू, तू भूत प्रेतों के बारे में कछु नहीं जानता। कहते हैं कि किसी इंसान को अगर किसी चीज से लगाव हो जाए तो उसके मरने के बाद में उसकी आत्मा उन चीजों में अटक जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। महाराज ने सेनापति को खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। महाराज के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई वीर नायक सिंह की खजाने पर नियत बिगड़ गई और उसे पाने के लिए वीर नायक सिंह ने सेनापति को मार डाला। तब से सेनापति का भूत वो खजाने की रक्षा कर रहा है। फट्टू कहीं का, रमेश तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हमें वहाँ रात में जाना है और तुम तो दिन में भी अपने ही साए से डर जाते हो। अरे क्यों नहीं हो पाएगा भाई, हम जरूर चल रहे हैं। और रीमा, हम फट्टू है ना। तभी दीनू चढ़कर कहता है, अरे चुप करो यार तुम, ये बताओ माधवगढ़ कौन कौन आ रहा है। सब लोग माधवगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा तो कल हम सुबह माधवगढ़ को निकलेंगे। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं अब निकलती हूँ, तो कल सुबह मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट। और इसके बाद सब एक दूसरे को गुड नाइट कह के अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रमेश अपनी कार लेकर आता है। सभी कार में बैठकर माधवगढ़ की ओर निकलते हैं। माधवगढ़ का रास्ता एक जंगल से होते हुए गुजरता था जिसमें कई प्रकार के जंगली जानवर रहते थे। घना जंगल देखकर रमेश कहता है, क्या खूब पिकनिक स्पॉट ढूंढा है, क्या तुम कोई और जगह नहीं ढूंढ सकती थी? आखिर कहाँ से मिला तुम्हें ये आइडिया? परसों किसी ने ये किताब मेरे घर पर पोस्ट की थी, मैंने वो किताब पढ़ी, उसी में माधवगढ़ का जिक्र किया गया था। अच्छा तो घर जाने पर मुझे भी वो किताब दिखाना। घर जाने की जरूरत ही कहाँ है जब वो किताब अभी भी मेरे पास है। निशा अपने बैग से पुरानी किताब निकालती है और सबको दिखाती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है। हिरन को बचाने के लिए रमेश जोर से ब्रेक लगाता है। ओए बुड़बक कहीं के, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या बे? रमेश कार से उतरकर इधर उधर देखता है, पर उसे वो हिरन कहीं भी नजर नहीं आता है। अरे ससुर का नाती कहीं गायब हो गया। हाँ नहीं तो लगता है कि जानवर के भी भूत होते हैं। अरे रमेश अब चलो भी, या फिर तुझे यहीं छोड़कर चले जाएं।
रमेश फिर से कार में बैठ जाता है और उन्हें किले तक पहुंचने में शाम हो जाती है। हमें तो यहाँ पहुंचने में ही शाम हो गई, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। अरे रात को हम क्या खाक देखेंगे? रात का इंतजाम मैंने पहले से ही कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है, आप अंदर जाकर खूब पार्टी करेंगे। क्या तुम चकना भी लाई हो? ई लो, इस बेवड़े को दारू पीने की लहर आई है, मैं तो इसकी बात कर रही थी। निशा अपने बैग से बैटरी निकालती है और सबको एक एक दे देती है। निशा, तुम किताब पढ़कर बताओ कि हमें कहाँ जाना है। अरे वाह दीनू, तुम भी अकलमंदों की तरह सोचने लगे हो। मैं तो बचपन से ही अकलमंद हूँ। निशा, तुम रास्ता बताओ। निशा किताब निकालकर उसे पढ़ने लगती है। जो भी इस किले में खजाना खोजने जाता है और यदि वो रात में किले में फंस जाता है तो वो कभी बाहर जिंदा नहीं निकल पाता। क्या क्या कहा तुमने, कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाता? अरे ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी का? तभी उन चारों को दो लोग और दिखाई देते हैं। रमेश तो डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। अरे मर गए रे, वो देखो यहाँ पर एक नहीं दो दो भूत है। फट्टू, ठीक से देखो, वे भूत नहीं, हमारे जैसे ही इंसान है। वो दोनों भूत नहीं बल्कि इंसान है। ये देखकर रमेश की जान में जान आ जाती है। उनमें से एक को निशा पहचान लेती है। अरे ये तो प्रोफेसर फाइंडर है, जाने माने खोजकर्ता। हाँ सही पहचाना निशा, और ये मेरा मित्र लाला है। तुम लोग यहाँ पर हो, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी किताब मिल गई। मतलब वो किताब आपने मेरे घर में पोस्ट की थी? जहाँ तक मुझे पता है तुम सब अच्छे दोस्त हो और तुम सब किसी तूफानी जगह पर घूमने जाना चाहते थे, तो मैंने ही जानबूझकर ये किताब निशा के घर पर पोस्ट कर दी। मुझे पता था कि इसको पढ़कर तुम सब यहाँ पर जरूर आओगे। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जाना है ये तो बताइए। इसके बाद प्रोफेसर सबको एक बंद गुफा के पास ले जाते हैं जिसके दरवाजे पर 6 कड़ियां होती हैं। देखो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, इस दरवाजे को 6 लोग मिलकर ही खोल सकते हैं। सभी मिलकर वो दरवाजा खोल देते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते वो सब गुफा के अंत तक पहुंच जाते हैं जिसमें हर तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ होता है। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए। चलो जल्दी से ये सोना अपने अपने बैग में भर लेते हैं और यहाँ से 9:45 हो जाते हैं। ये तो मेरी जिंदगी की हुई सबसे बड़ी खोज है। लाला तुम भी लो, भर लो जल्दी से अपने बैग में सोना, जल्दी। और सभी लोग अपने बैग में सोना भरने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक भूत आ जाता है। अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आया, अब तो हम गए काम से। बड़े दिनों के बाद कोई मेरा सोना चुराने आया है। मुझे पता है कि तुमको वीर नायक सिंह ने भेजा है ये सोना चुराने के लिए। मैं अब सबको मारकर मेरी मौत का बदला लूंगा। इसके बाद वो भूत प्रोफेसर को गर्दन से पकड़ लेता है। अरे लाला मुझे बचाओ, तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे बचाओ लाला मुझे बचाओ। पर लाला प्रोफेसर की मदद नहीं करता और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। भूत प्रोफेसर को मार देता है और दीनू को पकड़ लेता है। दीनू अपने दोस्त से कहता है कि अरे यहाँ से चले जाओ दोस्तों, इससे पहले कि यह हम सबको मार डाले तुम लोग चले जाओ। दीनू के सभी दोस्त भूत को कहते हैं कि अरे ओ भूत, मारना है ना तो मुझे मारो, मुझे। नहीं नहीं मुझे मारो और दीनू को छोड़ दो, हम लोग सोना चुराने नहीं आए थे, हम तो यहाँ का रहस्य क्या है वो देखने के लिए आए थे। मैं फट्टू जरूर हूँ पर बुजदिल नहीं, छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो। भूत इन चारों की दोस्ती देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि मुझे नाज है आप चारों की दोस्ती पे। इसके बाद भूत दीनू को छोड़ देता है और सभी को गुफा से बाहर जाने के लिए कहता है। दोस्तों ये सोने से भी कीमती तुम सबकी दोस्ती है, अगर आज तुम लोग ना होते तो मैं जिंदा नहीं होता, शुक्रिया दोस्तों। अरे हट पगले, अब रुलाएगा क्या? अरे तुम्हें मारने का हक सिर्फ हम ही को है, कौनो भूत भूत को नहीं। इसके बाद सभी दोस्त सही सलामत किले से बाहर आ जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, सच्चे मित्र सोने से भी कीमती होते हैं
और वही संकट के समय में हमारी मदद करते हैं।